परवीन फातिमा और उनकी बेटी सुमैया फातिमा की तरफ से एक रिट याचिका इस बात के लिए हमने डाली थी कि परवीन फातिमा का करेली के आशियाना जेके आशियाना में जो दो मंजिला मकान था जिसकी रजिस्ट्री उसके नाम था, जिसका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली का बिल परवीन फातिमा के नाम से जमा होता था, उसको एडीए के अधिकारियों ने बिना उनको नोटिस दिए, एक्ट के प्रावधानों की तरह बिना उनको उचित समय दिए, अपील का 30 दिन का अवसर दिए, बिना सेकंड सैटरडे और संडे का दिन चुनकर, और वो भी 10 तारीख की रात में परवीन फातिमा और सुमैया को उठा के इन्होंने सिविल लाइंस इलाहाबाद प्रयागराज के थाने में बंद किया और 12 तारीख तक थाने में रखा और 12 तारीख को उस घर को गिरा दिया। मैं इसलिए गया था कि यह गैरकानूनी अमानवीय कृत्य है जिसके लिए एडीए के को आदेशित किया जाए कि उनके घर का पुनर्निर्माण करे, उसी जगह पर उनका घर बना के दे। उनके साथ जो सामाजिक अपमान हुआ, हैरेसमेंट हुआ, एम्बरेसमेंट हुआ, इंसल्ट हुआ, उसके लिए मुआवजा दे और जब तक उनका घर न बन जाए तब तक उनको रहने के लिए सरकारी आवास दे और अधिकारियों को दंडित भी किया जाए। मामले को गंभीरता को देखते हुए इस केस में स्वयं एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश के उपस्थित थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल कई थे, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल भी थे। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को महसूस करते हुए सिर्फ एक दिन का समय काउंटर के लिए दिया है और यह केस 30 तारीख को पुनः सुनवाई के लिए माननीय न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और माननीय न्यायमूर्ति सैयद वाइज मियां के खंडपीठ के समक्ष आएगा।